नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग, मैं शिवांगी। इंडियन टीम में कुछ तो खास बात है, खिलाड़ियों की आंखों में जीत का जज्बात है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए चार टीमों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी, उसके बाद भारत ने और फिर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारने के बावजूद लगभग सेमीफाइनल में पहुंच ही गया। भारतीय टीम के फैंस के सामने अभी सवाल है कि आखिर सेमीफाइनल में कौन सी टीम उनको कड़ी चुनौती दे सकती है। तो आइए हम आपको समझाते हैं सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी गणित। दूसरे स्थान पर काबिज टीम इंडिया के पास मौका है कि वह पहले स्थान पर पहुंच सके। अगर ऐसा होता है तो फाइनल के लिए उसे पहले सेमीफाइनल में अंक तालिका में चार नंबर पर पहुंची टीम से भिड़ना होगा। यह टीम न्यूजीलैंड ही होगी। भारत का आखिरी मैच श्रीलंका से है। अगर टीम इंडिया उसे जीत लेता है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे। इसके बाद भारत को साउथ अफ्रीका से यह आस होगी कि किताब की दौड़ से बाहर हो चुकी यह मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट में जीत से अपनी विदाई तय करे। अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के 14 अंक रह जाएंगे और वह दूसरे स्थान पर रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत जाता है तो फिर भारत ने अपने मैच में श्रीलंका से हारे या चाहे जीते, वह दूसरे स्थान पर ही रहेगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया किससे भिड़ेगी, इसका फैसला 6 जुलाई को होने वाले मैच में साफ हो जाएगा। 6 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। इस मुकाबले में अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड से होगा और यह मैच 11 जुलाई को खेला जाएगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो भारतीय टीम भी श्रीलंका को मात देती है। ऐसे में टीम इंडिया का सेमीफाइनल में सामना होगा न्यूजीलैंड से। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चौके छक्के की होगी बरसात। दमदार खिलाड़ियों के दिखेंगे नए नए अवतार। धोनी का अनुभव, रोहित का शतक और कोहली का साथ। विपक्षी टीमों पर करेगी घातक प्रहार। टीम इंडिया के बॉलर भी करते हैं अपनी बैटिंग से वार। वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी है तैयार। इस विश्व कप में भारत का बड़ा गेम होगा, वर्ल्ड कप जीतने का एम होगा। इसी एम के साथ देखते रहिए न्यूज युग। नमस्कार।